नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक सौरभ पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीमेल के स्नूज फीचर के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्नूज फीचर जीमेल में क्या है और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बढ़े रहे और साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ इस बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्दी पहुंच सके वो बिना किसी देरी के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने एंड्रॉयड फोन पे आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं जीमेल के स्नूज्ड ईमेल्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले जीमेल के ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्नूज्ड ईमेल्स को देखने के लिए सबसे पहले आपको इन तीन लाइन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑल लेवल्स के बीच में यहाँ पे स्नूज्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर पे मेरे को स्नूज्ड का ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी तो फिलहाल ये खाली होगा क्योंकि मैंने किसी भी ईमेल को यहाँ पे स्नूज नहीं कर रखा है। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ कि इसका यूजर्स क्या है और आपको किसी भी ईमेल को कैसे स्नूज करना है। तो बैक आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्नूज का मेन मोटिव होता है किसी भी ईमेल का रिमाइंडर लगाना। जैसे कि मान लीजिए ये इंस्टाग्राम वाली ईमेल है, इसको यहाँ पे स्नूज कर देते हैं। बारह तारीख कस्टम पे करेंगे और टाइम दे देते हैं एक मिनट बाद का। सेव पे क्लिक करेंगे। यहां पे देख सकते हैं हमें वन ईमेल स्नूज्ड का मैसेज आ चुका है। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं हमारे इनबॉक्स से भी ये जो ईमेल है यहां पे डिसअपेयर हो गई है, लेकिन जैसे ही 12:29 होंगे ये ईमेल अपने आप ही इनबॉक्स में आ जाएगी और हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो दोस्तों जहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हैं जो हमारी ईमेल थी 25 तारीख को आई थी, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे टॉप पे शो हो रही है और साथ में यहाँ पे उसके नीचे मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है स्नूज्ड 1 आवर अगो। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी ईमेल को स्नूज करके उसका रिमाइंडर लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यहां पे स्नूज फीचर के बारे में पता चल गया होगा। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो में इतना, आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।